अब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई कैन की तरफ से कि कहने के उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया कि 14 फरवरी से 21 फरवरी तक जो है ये जो अगला टूर्नामेंट है, ट्राई सीरीज आप कह सकते हैं, वो होने वाला है, उसे होस्ट करेगा जी हाँ नेपाल खुद ट्यू ग्राउंड में कीर्तिपुर में। और ये कहीं ना कहीं अगर सीरीज की बात करें तो डेट तो फिक्स पहले से थी, लगभग लग ही रहा था, लेकिन एक ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी यह निकल कर आ गई है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 29 दिन का वक्त जो है वो कहीं ना कहीं करीब करीब बचा है, 29 या 28 दिन आप लगा ले, कहीं ना कहीं वक्त बचा हुआ है और सारे प्लेयर जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा T20 क्रिकेट इस वक्त खेल कर यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि नेपाल T20 लीग में काफी ज्यादा मैचेस थे, क्योंकि एक एक टीम के 10-10 मैचेस थे, तो बहुत ज्यादा, और जो प्लेऑफ वगैरह पहुंच गए उनके लिए तो 12-13 मैचेस तक ये मामला पहुंच गया, तो बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट ये सब प्लेयर जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो उसके लिहाज से देखें तो प्रिपरेशन किस तरीके की होनी चाहिए, क्या एक छोटा सा पाथवे हो अगले 28 दिन के लिए नेपाल के लिए कि वो कम से कम नामीबिया और स्कॉटलैंड जैसी टीमों से, और एंड वो दो टीमें कहीं ना कहीं जो वन ऑफ द बेस्ट इन बिजनेस है, और में अगर हम बात करें स्कॉटलैंड जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्योंकि टेबल टॉपर बनकर ही खत्म करने वाली है, उसमें कोई राय नहीं है, और नामीबिया की जहां तक बात करें तो वो डेफिनेटली ओमान को ओवरपावर कर सेकंड नंबर पर जा सकते हैं, जिस तरह की उनकी रिसेंट फॉर्म है बहुत ही ज्यादा डेंजरस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनकी फुल फ्लेज टीम आएगी, और उनके खुद के मेंबर्स और प्लेयर्स ने कंफर्म कर दिया था कि फुल फ्लेज टीम आएगी। जॉर्ज मनसे ने भी खुद के ट्वीट करके कहा था कि अब मैं अभी फिलहाल मैं टी ट्वेंटी लीग में खेल रहा हूँ, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो होने वाला है नेपाल। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फुल फ्लेज टीम नामीबिया को लेकर आएगी। तो आपको क्या लगता है कि 28 दिन बचे हुए हैं, जब 22 दिन हो जाएंगे उसके बाद एक छोटी सी सीरीज खेलकर इसकी तैयारी क्या इतनी आसानी से हो जाएगी, या फिर आपको क्या लगता है कुछ अलग पाथ पे होना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए ये तो अब तक होता ही है, इसका रिजल्ट तो हमें यहाँ कुछ दिखा नहीं, और जरूर है अगर ये कोई सोच रहा है कि अगर आप ये सोचते हैं जो सुन रहे हैं हमें कि आप नामीबिया स्कॉटलैंड के लिए ये चीज भी बोला करें, वो भी T20 खेल के आ रहे हैं, वो भी ये गेम खेल के आ रहे हैं, तो उनका लेवल अलग है। मैं जरूर ये जरूर बात होती अगर कुछ गेम का स्टैंडर्ड नेपाल के बैट्समैन दिखाते तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी, कोई नहीं आप घर में बैठिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं बैठिए कहीं भी खेलिए, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरे तब आपका गेम इस लेवल का चेंज हो जाए फौरन कि लगे ही नहीं कि अरे यार ये प्लेयर क्या घर में बैठा था, कमाल है यार और क्या गेम ऑन हुआ है। इसमें एक चीज और जाती है कि उनकी डोमेस्टिक की क्वालिटी भी आपको परखनी होगी, बिल्कुल जो क्वालिटी नेपाल के डोमेस्टिक में देखने को उतनी नहीं मिलती, और प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बताता है कि आप हर प्रैक्टिस के लिए तैयारी नहीं जरूर। और एक चीज जरूर रहती है कि चलिए मान के चलिए कि आपने जैसे कहा डोमेस्टिक की बात कही, बिल्कुल सही कही आपने कि चलिए मान के चलिए डोमेस्टिक कुछ प्लेयर खेलते नहीं है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अभी थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ, या अभी वापस इस पे आऊंगा जरूर, थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ जल्दी से, नामीबिया स्कॉटलैंड मान के चलिए कि अगर वो अपना डोमेस्टिक कुछ स्किप कर रहे हैं जो कि करते नहीं है, स्कॉटलैंड के तो बिल्कुल ही डोमेस्टिक स्किप नहीं करते, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये होता कि चलिए नेपाल के प्लेयर्स उन लोगों की तरह ही बाहर जाके खेल रहे हैं, जी हां घर बैठ जाना 15 दिन 20 दिन 25 दिन बैठे भी थे पिछली बार, तो कई बार बैठे भी है, लेकिन अब जरा इस पर आ जाते हैं, अब इस पर फोकस करते हैं कि भाई सीरीज से एक दिन पहले क्या सिर्फ एक सीरीज करा के हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अभी अगर हम बात करें रिसेंट अभी एकदम 16 तारीख की, जी हाँ, तो अभी तो कोच भी तैयार है, जी हाँ, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं कोच का ही पता चले, कोच कहीं ना कहीं हायर हो और जो भी अब कोच बने फाइनली वो टीम के साथ जुड़े, और एक सबसे पहले जाहिर सी बात है जो एक होता है कि आप एक कैंप वगैरह लगाए वहां पर प्लेयर्स के साथ जान पहचान वगैरह हो, जो भी थोड़ी बहुत ड्रिलिंग वगैरह जो भी करानी हो, लेकिन उसके बाद क्या डायरेक्ट बैडमिंटन सीरीज खेलना बेहतर होगा या उससे पहले मोड में आने के लिए कुछ और होना चाहिए? जरूर कुछ और तरह के, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए सबसे पहले तो कोच और प्लेयर्स का इंटरेक्शन के लिए ही तो कैंप चाहिए, लंबा वक्त चाहिए थोड़ा सा 4-5 दिन का, क्योंकि इतना लंबा भी वक्त नहीं चलेगा, फिर वही बात हो जाएगी कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 से पहले आपने सिर्फ एक ही सीरीज खेली, फिर वही वाली बात आ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर आप जरूर कर सकते हैं, आपने स्क्वाड तैयार की, कोचेस को बुलाया आपने 14-15-16 जनों की, आपने टीम सिलेक्शन कर लिया, हो गया, उसके बाद यहाँ आप कैंप लगाइए, कैंप लगाकर वहां पर इंट्रा स्क्वाड मैचेस आप प्रोवाइड कराइए, बिल्कुल
बहुत मस्ट है, वो बहुत मस्ट है, इसे टीम इग्नोर कर देती है, ये क्यों करती है ये आजकल के क्रिकेटों में ये मालूम नहीं होता। जी हाँ, नहीं बहुत सारी टीम्स करती नहीं है, ऐसा नहीं है, काफी टीम्स को देखा है इंटर स्क्वाड करते हुए, और कहीं ना कहीं आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप T20 क्रिकेट काफी लड़के खेल कर आ रहे हैं, तो उनके मोड से स्क्वाड के मैचेस कराएं और 50 ओवर वाले फॉर्मेट रखें, और आप कम से कम 2 दिन लगातार अगर इंटर स्क्वाड के मैचेस रखें अपने प्रैक्टिस कैंप के बीच में तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जी हाँ, वो ये है कि आपको ये भी देखना है कि आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ये भी जरूरी है। अब आप देखिए कि नाइबे की जो टीम यहाँ पर आ रही है, स्कॉटलैंड की आएगी, नाइबे की जो टीम आ रही है, नामीबिया अपने लेफ्ट आर्म पेसर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेबल रहता है, उनके पेसर्स हमेशा उनके लिए विकेट निकाल के देते हैं और कहते हैं, तो वहां से आपको लेफ्ट आर्म पेसर्स की, लेफ्ट आर्म बॉलर्स की फौज नाइबे की तरफ से देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको मेक श्योर ये करना चाहिए कि इंट्रा स्क्वाड में आप कुछ अपने डोमेस्टिक से उन प्लेयर्स को भी ले साथ में खिलाने के लिए, आपकी स्क्वाड में भले वो ना हो साथ में ये जरूर ले, वो आपको डिपेंड करता है, स्क्वाड में एक लेफ्ट आर्म पेसर तो होना ही चाहिए, हर स्क्वाड में तो जरूर है, लेकिन अगर आपके में नहीं भी है, पता नहीं कैसे स्क्वाड आएगी वो देखना पड़ेगा, तो अगर नहीं भी है तो आप लेफ्ट आर्म पेसर्स जो भी हैं आपके डोमेस्टिक में उनको स्क्वाड इंट्रा स्क्वाड में खिलाएं और उनको उनके सामने आप अपने बैट्समैन को जो सीनियर टीम के बैट्समैन है उनके सामने लगातार प्रैक्टिस करें उन इंट्रा स्क्वाड गेम्स में, और वो लगातार 50 ओवर का 2 दिन तक चले तो बहुत होगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म के खिलाफ आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, जो ऐसा नहीं कि आप इतनी जल्दी प्रैक्टिस कर भी लेंगे और आप उन लोगों के बॉलर के धज्जे उड़ा देंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ मूवमेंट वगैरह का तो पता चलेगा। नहीं जरूर, कुछ ना करने से करना बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन निकावत भी है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप और बेकार कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ा जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है, प्रैक्टिसेस, और ये नहीं है कि खाली आपने डायरेक्ट जाकर उससे पहले आपने कर दिया, क्योंकि और क्वेश्चन एक चीज और है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी एक का इंक्लूजन का भी सवाल है, ये इसको लेकर भी है कि भाई उनको इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इसको लेकर भी जल्द से जल्द फैसला जरूर होना चाहिए, और प्रॉपर प्रिपरेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अब आपने डेट्स दे दी, जी हाँ, सामने से आकर आपने डेट्स दे दी, अभी तक क्या था कि चलिए टल भी सकता था कि हाँ 14 की बजाय ICC से कुछ हो जाए तो ICC पीछे कर दे ये कर दे, जो कि होता नहीं क्योंकि डेट्स तो वैसे भी आ चुकी थी, लेकिन अब ऑफिशियली आ गया है तो तैयारी भी उस हिसाब के लेवल की होनी चाहिए, वरना नेपाल का होम में भी ऐसा रिकॉर्ड है, ओमान के खिलाफ 2 मैच हारे थे 2019 में, PNG के खिलाफ भी पिछले साल 2 मैच हारे, जी हाँ बिल्कुल, और UAE के खिलाफ भी बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट जीते हैं, अगर आप बात करें तीसरा वाला हटा दें, अभी जो वाइल्ड सीरीज हुई थी सेकंड वाला बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट पर गुलशन और आरिफ ने जिताया था, तो कहीं ना कहीं ये साल तो खत्म हुआ है, और नाइबिया स्कॉटलैंड की टीम है बहुत स्ट्रांग टीम है, तो डेफिनेटली आप सबसे पहले इंट्रा स्क्वाड कराएं और उसके बाद कहीं ना कहीं यहां पर बायलैटरल सीरीज खेलने की कोशिश करें, ये नहीं कि इंट्रा स्क्वाड खेल के डायरेक्ट आप चले गए नाइबिया स्कॉटलैंड के सामने सामना करने के लिए, तो यहां पर जरूरी है कि आप जितना ज्यादा 50 ओवर क्रिकेट इन 28 दिनों में खेलने में कामयाब रहे वो बेहतर होगा, ये नहीं कि आप 14 से हैं तो आपने 6-7 तारीख को से शुरू कर दिया खेलना और उसके बाद मोड में आ गए लड़के और आपको लगा परफॉर्मेंस कर देंगे, चलिए हमारा घर है क्यू है तो यहाँ पर कर लेंगे, इस गलतफहमी में ना रहे तो बेहतर होगा, प्रिपरेशन के लिहाज से होना चाहिए, ओपोनेंट किसी भी हाल में आपको कमतर आंकना नहीं है, जिस तरह से परफॉर्मेंस टीम कर रहा है ओपोनेंट, तभी मैंने कहा शुरू में कि वो तो बेस्ट इन बिजनेस है, बिल्कुल, वो जब मैच खेलने उतरेंगे तो लगेगा ही नहीं कि हम किसके ग्राउंड में खेल रहे हैं, एग्जैक्टली उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसे होंगे कि भाई लग एक तरफ एक वक्त को नजर नहीं आएगा कि अच्छा हम कहाँ हैं, स्कॉटलैंड में खेल रहे हैं वो इतनी कंफर्टेबली या वो नेपाल आए हुए हैं ऐसे एज अ विजिटर, ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के लिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप यहाँ पर कोच को जल्द से जल्द इंक्लूड करें, उसके बाद आप कैंप लगाएं, उसमें यकीन मानिए सिर्फ ट्रेनिंग करके बायलैटरल सीरीज मत जाइए, बहुत बुरा आइडिया होगा ये, उससे पहले इंट्रा स्क्वाड के 2 गेम्स करा लें, उसमें आप लेफ्ट आर्म पेसर्स को अपने डोमेस्टिक से बुलाकर उनके खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि नाइबिया के पास लेफ्ट आर्म पेसर्स यहां पर काफी ज्यादा है और वो उन पे बहुत ज्यादा रिलायबल भी रहते हैं और आधे से ज्यादा विकेट वही निकालते हैं, उसके बाद आप कम से कम कोशिश करें 1 से 2 बायलैटरल सीरीज, जरूरी नहीं ओडीआई हो, वनडे हो, वनडे हो, या वो आपके ऊपर होता है कि आप किससे बात कर सकते हैं, आपके पास ओमान का बहुत अच्छा ऑप्शन है, उनसे आप बात कर सकते हैं, 24 तारीख को उनका ओमान T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो खत्म हो रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो फ्री हो जाते हैं तो वहां पर आप उनसे भी बात कर सकते हैं, फिर किससे बात कर सकते हैं, लेकिन ओडीआई या वनडे बायलैटरल सीरीज उसके बाद यहाँ पर होनी जरूर चाहिए और कम से कम लगातार एक लंबे गैप तक आप क्रिकेट जरूर खेलते रहें, अगर लड़के बैठ जाते हैं लंबे वक्त तक और आप सोचते हैं कि 6-7 दिन पहले एक टूर्नामेंट करा लेंगे तो रिजल्ट उसका बहुत ज्यादा खराब भी आ सकता है, क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा रैश शॉट्स वगैरह
वगैरह या खराब शॉट खेलकर विकेट गवा देना, ये सब देखने को ना मिले, क्योंकि लड़के काफी ज्यादा टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलकर इस वक्त आ रहे हैं। तो प्रिपरेशन कुछ इस लिहाज से हो तो ज्यादा बेहतर है बजाय सीधा डायरेक्ट मैदान पर उतर जाने का, 14 तारीख को लेकर एक कैंप करके सीधा उतर जाने से बेहतर होगा। आपकी क्या राय है, किस तरह की प्रिपरेशन यहाँ होनी चाहिए, जरूर बताइए। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये प्रिपरेशन काफी बेहतर रहेगा, सही रहेगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। बिल्कुल बढ़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल।